IBA Grads, gateway to your desired future. Assalamu alaikum, this is Adnan Kamal Siddiqui from IBA Grads. आज की मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद GIKI के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को शेयर करना है. मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी अच्छी तैयारी कर चुके होंगे GIKI के टेस्ट के लिए. GIKI का टेस्ट पैटर्न क्या होता है ये भी जान चुके होंगे. अब टेस्ट के दौरान आपने किन बातों का ख्याल रखना है उन चीज़ों को बगौर सुन लीजिए और चाहें तो नोट भी कर लीजिए कि इन बातों को आपने मिस नहीं करना. ऐसा ना हो कि हमने मेहनत बहुत अच्छी की है लेकिन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं की थी इसलिए हम सिली मिस्टेक्स कर गए. इंस्ट्रक्शंस क्या है? नंबर वन, पेपर पैटर्न को समझ लीजिए अच्छे से. पेपर पैटर्न को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया. पार्ट ए विच इंक्लूड मैथ्स एंड फिजिक्स, पार्ट बी विच इंक्लूड ओनली इंग्लिश. पार्ट ए के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपने ख्याल करना है कि इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने जिसका आइडिया बिल्कुल भी आपको नहीं है. ठीक है, मींस नेगेटिव मार्किंग क्या है वो भी मैं आपके सामने रख दूं कि अगर आप करेक्ट आंसर करेंगे तो +3 और अगर आप इनकरेक्ट आंसर करेंगे तो -1. तो ये जो -1 है ये आप उन क्वेश्चन से अपने स्कोर में ऐड करेंगे जिन क्वेश्चन के बारे में आपको आइडिया नहीं था और आपने उन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लिया. तो एडवाइस यही होती है जहां नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पर आपको उन तमाम क्वेश्चंस को छोड़ना होता है और अपने अंदर ये बर्दाश्त पैदा करनी होती है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम छोड़ सकें. क्योंकि अक्सर बच्चों को ये मुश्किल होती है कि हम क्वेश्चन छोड़ क्यों रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आंसर हम करके आ जाएं. नेगेटिव मार्किंग में बेटा ये ख्याल आपको रखना होगा कि नेगेटिव मार्किंग अगर है तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे जिन क्वेश्चंस के बारे में आप श्योर नहीं हैं. क्लियर? तो ये आपका एक तो मैथ्स और फिजिक्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग का ख्याल रखना है. दूसरी चीज़ इंग्लिश के पार्ट बी में जब आप आते हैं इंग्लिश के अंदर तो इंग्लिश में 20 MCQs हैं और उसमें करेक्ट आंसर +1 पॉइंट ऐड करेगा आपके स्कोर के अंदर और इनकरेक्ट आंसर +0. मींस यू आर अलाउड टू आंसर एवरी क्वेश्चन. ओके, तो अब आप इसमें हर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सुकून के साथ लगाइए और बिल्कुल सुकून के साथ ये इंग्लिश वाला पार्ट कीजिए. तो इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आपके स्कोर जो है वो इंपॉर्टेंट होगा. अगर आपका इंग्लिश का स्कोर अच्छा होता है तो आपको मैथ्स और फिजिक्स के स्कोर में उससे हेल्प होगी. और अक्सर स्टूडेंट्स का फीडबैक यही होता है कि उनका इंग्लिश का पोर्शन काफ़ी बेहतर हुआ है. तो एक तो हो गई पेपर पैटर्न की बात. दूसरी, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप मौजूद होंगे तो वहाँ जो इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करनी है वो क्या करनी है. अक्सर लोग अपने साथ गैजेट्स लेके जाते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाते हैं और कुछ चीज़ें हिफाजती तौर पर ले जाते हैं. तो नो डिजिटल डिवाइसेस, नो ज्योमेट्री बॉक्स, नथिंग. आपके पास एक एडमिट कार्ड होना चाहिए जो आप लेके जाएंगे. वहाँ आपको एक पेंसिल दी जाएगी, पेपर दिया जाएगा, रफ़ शीट्स नहीं दी जाएंगी. रफ़ शीट्स के लिए स्टूडेंट उस वक्त सोच रहे होते हैं कि हमें कोई रफ़ शीट्स लाकर देगा या वो इन्विजिलेटर से उसके लिए क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी टाइम ज़ाया होता है. आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं करने. जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उसी क्वेश्चन पेपर पर आप रफ़ वर्क करते हैं. अच्छे से आपने आंसर शीट को फिल करना है. अपने आईडी, अपना नाम, जो इंस्ट्रक्शंस उसमें पूछी गई हैं वो तमाम डेटा बहुत करेक्टली उसके अंदर फिल करना है. और उसके बाद आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो क्वेश्चन का जो आपने टाइम ड्यूरेशन है उसको फोकस करना है. जो हमारे पास पार्ट ए है इसका ड्यूरेशन 1.5 आवर होता है तो आपने 1.5 आवर के अंदर मैथ्स और फिजिक्स कंप्लीट करना है. उसके बाद हाफ आवर आपको दिया जाता है इंग्लिश के लिए तो हाफ आवर में इंग्लिश कंप्लीट करना है. रफ वर्क का मैंने आपको आइडिया बता दिया कि आप क्वेश्चन पेपर पर कर सकते हैं. तो ये तमाम इंस्ट्रक्शंस आपकी पेपर के वक्त हैं. पेपर करने के बाद आपने इन्विजिलेटर को पेपर दे देना है और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो पेपर आपने किया उसमें आफियत वाला मामला फरमाए. इंशाल्लाह ये तमाम इंस्ट्रक्शंस का ख्याल रखेंगे तो ज़रूर आप 2021 के GIKI के पेपर में कामयाब होंगे. जज़ाकअल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम.